15 फ्लैट्स पर मुश्तमिल ये इमारत जो मुकम्मल तौर पर वीरान और बेआबां है, हालांकि आज से 2 साल पहले इसे आबाद करने की कोशिश की गई और जिस फ्लैट में जो फैमिली रिहाइश पजीर थी उनका ये कहना था कि किसी ने उनको धक्का दिया, किसी अनदेखी मखलूक ने, और लोगों का यही मानना है कि ये जगह अब पुरसरार हो चुकी है। आसपास आबादी होने के बावजूद भी आखिर ये पूरी इमारत वीरान क्यों है, वो क्या है? जंगल के साथ है, जंगल के बीच में जनाबे आली, वो देखें आप, वही है समद भाई। आप कहते हैं खतरनाक है जनाबे आली, वही है सर, यही लग रहा है। उसको किसी ने पीछे से ना पुश किया तो वो उनका हाथ टूटा था, उसके बाद उन्होंने भी छोड़ दिया। एक ही वो आई थी, क्या कहते हैं, फैमिली आई थी, एक ही फैमिली आई थी पूरे। आप इसमें देखेंगे ना, इसमें सही प्यारा प्यारा रंग, और मेरे को जहाँ तक लग रहा है इसमें, क्योंकि साफ सुथरा कमरा एक घर है। कहाँ धक्का दिया था उनको? अब ऊपर से उनका हाथ टूट गया था, फिर उन्होंने घर छोड़ दिया था। पूरी बिल्डिंग वीरान क्यों है, यही वजह लग रही है मुझे भी, क्या कहते हैं, इधर कुछ अल्लाह की मखलूक है। इस तरह की और बिल्डिंग्स भी हैं, वो आबाद हैं, इसी में क्यों मसला है इतना? मैं आपको दिखाऊँ, वो सामने बिल्डिंग है, ठीक है, वो गाड़ी के आगे नज़र आ रही है पीली रंग की, वो आबाद है, ठीक है। आपको मैं दूर दिखाऊं, वो दूर देखें आप, वो दूर देखें, वो भी आबाद है, सारी ना सही, कुछ फ्लैट्स आबाद हैं। ये वाहिद बिल्डिंग है जिसका एक फ्लैट भी आबाद नहीं यार, 2 साल पहले एक आबाद था, वो बता रहे हैं उनके साथ क्या हुआ। कुछ टाइम तक अगर कोई नहीं रहे तो फिर वो चीज़ें आगे रह लेती हैं, क्योंकि उनको भी कोई पना चाहिए होती जगह की, मैं वही हिसाब लग रहा है, क्योंकि किसी ने रहने की कोशिश नहीं की उसके बाद से अब तक, क्या नहीं, अभी हमने तो नहीं देखा। अब जगह देखें पूरी, एक अजीब ही वीरानी बरस रही है। अगर ऊपर जाए ना तो आपको कुछ ना कुछ फील होता है कि मतलब कोई पीछे है। अभी अच्छा। हम आए थे अपने दोस्तों के साथ ना, हम ग्रुप बना के आते, अकेले आने में थोड़ा डर लगता है, तो हम जब ऊपर गए तो ऊपर हमें ना ऐसा फील हुआ है कि कुछ हो रहा है ना हमारे साथ भी, तो हमने आयतल कुर्सियाँ पढ़ी, नादेली पढ़ी, फिर हम ऊपर से जब वापसी नीचे आ रहे थे, अब यहाँ पर ना इधर हमें लग रहा है इधर से कोई चलता 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 हमारे साथ ही चल रहा है उधर तक, तो ये ठक 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 होता रहा हमारे साथ। जानवर वगैरह तो नहीं थे? कुछ था नहीं। और ये छत पे ना कहते हैं ना ज्यादा गंदगी होती है वहाँ पर, इन चीज आती है, तो वहाँ पर टॉयलेट पड़ा हुआ है, उसमें पानी है, ऐसी गंदगी छत पे, छत पे क्यों? और वहाँ पर 3 कमरे भी हैं, और मैं आपको एक बात बताऊँ, और मेरा दोस्त कह रहा था, तो वो अभी है नहीं साथ, तो वो कह रहा है उसको कुछ दिखा, लेकिन हमने उस पर, क्योंकि हमें डर लगता था, बिलीव नहीं करते ना, हम बोलते नहीं कुछ भी नहीं है तुम्हारा वहम, हम निकल गए फिर जल्दी जल्दी करके, तो हमें छत पे ऐसा लगा कोई फिर ठक कर रहा है, फिर ठक कर रहा है। अब जब हम यहाँ पर पहुंचे ना बाखुदा, हमें वहाँ से क्यों ठंग करी आवाज़, हम फिर थोड़ा और आगे निकल गए छत पे, तो ये इस कमरे से ठक 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 ऐसी आवाज़। मुझे दिखा सकते हो वो? चल रहे हमारे साथ ऊपर मुस्लिम, पक्का जी जी, क्या मैं जाऊँ देखूँ? आप जैसा कहें, आपको जैसा, जैसी आपको आसानी खुशी जो दिल करे वो बताओ, चल लें चलो। दुआएं पढ़ लो सारे एक दफा, बिल्कुल पढ़ो। नौ छ, वो क्या है ऊपर, वो क्या है ऊपर, वो फर्स्ट फ्लोर पे क्या है ऊपर, काला कुत्ता समझ, वो देखो काला कुत्ता, जूम कर कामरान, जूम कर, काले रंग का कुत्ता है, काले रंग का हमें ही दिख रहा है, चुप गया, पता नहीं कुछ काले रंग का था, चीज है जो नीचे गया, नीचे किया है कैसे, अल्लाह रहम, ऐसे थोड़ी यार, यह समझ भाई, वो देखो सामने, वो रिकॉर्ड करो समझ, ये भी ऊपर नहीं था, ये ऊपर था, इधर आओ, ये भी ऊपर नहीं था, ये जाले रिकॉर्ड कीजिएगा कामरान भाई। जी भाई,
यार एक चीज़ अजीब है वैसे भाई जान, इसकी बाउंड्री देनी चाहिए वैसे यार, ये डेंजर है। या ग्रिले थी जो नहीं है? ग्रिले थी अभी नहीं। हाँ सर ग्रिले थी पहले यहाँ पर, ये देखो ये भी ये पहले ग्रिलों की जगह, ये हमारी बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये चीज़, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। गिरने का भी रीज़न यही हुआ क्योंकि वो ये नहीं था सकती अंकल यहाँ से गिरे होंगे स्टील टाउन के अंदर। सगा भाई दरवाजा इधर है, मूव हुआ है। 14 नंबर 14 नंबर जी। हवा से तो नहीं, हवा तो फंसा हुआ है, फंसा हुआ है तो। हाँ नहीं अचानक से कैमरा ऊपर के मैं देख रहा हूँ मूव हो रही हूँ स्लोली स्लोली, और बरकत भी ऊपर है देखो छत के ऊपर निकले। हाँ पीपल है, पीपल पीपल, और ये भी सर के ऊपर हमारे। सुभान अल्लाह, ये चेक कीजिए जनाब, इधर आओ कामरान, समझ लो शक्कर हवेली याद आएगी आपको, आओ रखो इधर, ये देखो पीपल कहाँ निकल रहा है सर, शक्कर हवेली याद आएगी आपको सर, ये जड़ है इसकी, वो ऊपर जड़ है। मशहूर वाक्या यहाँ पर जो लास्ट हुआ है वो एक अरसे से ये बिल्डिंग खाली है, और जो साहब यहाँ पर 2 साल पहले रहने के लिए आए वो बड़ा मशहूर है वाक्या कि उनको उनके बकौल उनको धक्का दिया गया, वो गिरे हैं यहाँ से। तमाम इस तरह की बिल्डिंग्स यहाँ पर आबाद हैं, एक यही है बस गैर आबाद। एक ख्याल ये है कि उनका पाँव स्लिप हुआ, कुछ इंसान को वहम भी हो जाता है, धोखा भी हो जाता है, क्या वो वजह थी या वाक्यतन किसी गैर मरी मखलूक ने उनको धक्का दिया था। और बुलाया है अली भाई ने, जहाँ शहरियार भाई ने बुलाया है हमें, तो देखते हैं जी अभी पहुँचे हैं सर। ये जाले हैं, ये भी कमरे ये जाले रिकॉर्ड अल्लाह पाक की हाल देखें जी इसका। अच्छा आप लोग कह रहे हैं वो माशाल्लाह अच्छी बात है, दुआएं पढ़ना अच्छी बात है, पढ़ लो बिल्कुल पढ़ लो, बहुत अच्छी बात है। और ज़रूरी नहीं कि ऐसी जगहों पे पढ़ो, पढ़ते रहा करो वैसे भी, जब घर से निकलो पढ़ते रहा करो। आप लोग बता रहे हो कि आप लोग वहाँ थे और वहाँ से आपको ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई गोश्त काट रहा है या कोई कोई ठोक रहा है, ठक 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 ऐसी आवाज़ आई जी। और आपने नीचे से देखा था कि ये खुला है 14 नंबर जी, मूव हुआ है। जी कैसे निशान है नीचे? हाँ बेटा बात सुनो, अगर नीचे जाना है तो चले जाओ, अल्लाह पाक नीचे जाना तो चले जाओ, यहाँ से उधर नहीं जाना, दाएं पाँव हो ना, यहाँ से उधर नहीं जाना ठीक है, आप तुम नीचे चले जाओ, मानो 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 बिल्कुल कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, चले जाओ। तो पता क्यों ये डेंजर जगह है यार, ये एकदम जो है ना खुदा ना खास, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। हाँ मुझे पता क्या डर था, बोलो इधर क्या हुआ है मैं 2 बार सुन रहा हूँ, अंदर से 2 बार आई है मुझे, इसलिए तो भेजा उनको। बस बस ठीक है ठीक है। अच्छा ये बहुत चले चले चले। अस्सलाम वालेकुम, ये निशान मैं कह रहा था किस चीज़ का, नीचे रिकॉर्ड हो रहा है दिख तो रहे हैं, लेकिन ये कैसी मट्टी क्यों टी गई यहाँ से, यार कोई चीज़ छिलके गई है जी, हाँ कुछ छिलके गए हैं, कैसे निशान है नीचे बाबा, ये बच्चे के पैर है, काम समझ इधर आओ, बच्चे के पैर है जी जी जी, कुत्ते के नहीं है, इधर आओ इधर आओ, ये यार मेरे पास हो रहा है पूरा, ये देखो आगे पंजा कुत्ते का है, पीछे एड़ी कितनी लंबी है। ये रिकॉर्ड कर लो प्लीज यार, ये देखो एक दो देखो, ये कुत्ते की नाखून है आगे लेकिन पीछे पेड़ी कुत्ते की नहीं है, ये देख ले आप, ये देखो कुत्ता आया कहां से, हाँ दरवाजा भी बंद था, कभी देखे ऐसे पाँव के निशान छोटे बच्चे इनके ऊपर पाँव
जब जाले लगे हुए हैं कोई कैसे आ जा सकता है इसमें, शीशा भी है इसमें, वो देखो बाथ टब में जाले देखो। मैं काफी देर से कर रहा हूँ सर, निशान देख रहे हैं? देखो वैसे निशान है यार, अल्लाह खैर। दुआएं पढ़ ली ना सबने, बिस्मिल्लाह। ये निशान वहाँ जा रहे हैं जी, ये निशान रिकॉर्ड करें, वो सामने जा रहे हैं। इनके बाहर पता नहीं कपड़े लटके हुए हैं। इनके ऊपर पाँव नहीं रखना यार, इतने लंबे नहीं होते कुत्ते के पाँव के निशान, इतने लंबे नहीं होते। अल्लाह ना करे वो हो जो मैं समझ रहा हूँ। अल्लाह भाई ऐसा ना किया करो। इधर आओ भाई, पहले ये रिकॉर्ड करो, ये पंजे के रिकॉर्ड करो। ये देखो कितने लंबे हैं पांव मेरे का। मस्जिद में जाए पैर है क्या? हुआ जी गंदे बदबू आ रही है। तौबा यार, आप कमरों के साइज देख रहे जी। कितने बड़े साइज हैं, एक दौर में कितने आलीशान होंगे फ्लैट्स। ऐसा क्या हुआ है यहाँ पर जो ये हाल है? लाहौर वाला कुव्वत ये नहीं देखा हम लोगों ने शिराज भाई। ये किला है, ये अमल है, ये तो वो है जो चारों कोनों में लगाया जाता है। किला है ये तो, बहुत बड़ा किला होता है। हाँ यार, एक तौबा ये हाल देखें इसका। इधर आओ इधर आओ, वो मट्टी कहाँ से आई आप? छोटी यार धमक आ रही है, ऐसे कोई धप धप की आवाज आ रही है। ये एक बात बताओ, तो बिल्ली के पाँव के निशान यहाँ कैसे होंगे? कौन सी ऐसी जगह जाऊँ जाना चाह रही थी? कौन क्या? अस्सलाम वालेकुम, ये लो जी। मैंने क्या कहा था, चारों कोनों में होंगे। स्टील भी होता है ना कमल, चारों कोनों में कीलें लगाई जाती है दरवाजे के सेंटर में। नहीं वो सेंटर में भी लगाई जाती है, ऐसा नहीं होता। हां उधर भी, इधर रावण के लिए है, कोई मक्रूह अंदर ना आए। मुझे बताएं यहाँ बिल्ली के पाँव के निशान क्यों है? ऐसे कहाँ जा रहा है इधर? इसके ऊपर क्यों लगाया? तो खिड़की होती है ना उसके ऊपर जाती, ये यहाँ क्यों बनाया, यहाँ क्यों लगाया? दीवार पे चल रही है। ये लो भाई, ये स्टील के कील रिकॉर्ड करो। बहुत भाई मैं अभी देख ही रहा था इसको, चेक कर रहे हैं। मैंने कहा था ना आप हर कोने पे मिलेगी आपको, ये इत्तेफाक नहीं है। वो समझ सामने देखो की अंदर, वो देखो स्टीम की अंदर लगी है, टपाई गई है। बड़ा कुछ हुआ पिछले 60-70 सालों में यहाँ पे, ऐसे ही लगा है। इन दरवाजे के पीछे की कील है, खोलो। बहुत ही सारी ये हार पा रहे, ये क्या है ये हार पा रहे? बहुत सारे बच्चे की ना।
और बड़ी गलत जगह पे जो मिला है जब पहले वाजे निशानी ये है तो इंसानी पंजा इंसानी पंजा तो है उसने लगाया कैसे यहाँ पर वो यहाँ खड़ा हुआ अगर वो खड़ा हुआ है तो उसका सर भी टकरा बात ये कि खड़ा होके भी इतना ऊपर पैर नहीं उठा सकते यस चलो सॉरी कुछ और नंबर था ना जी जी इसके साथ में 13 नंबर है ये कोने वाला है आखिरी सेकंड फ्लोर का अभी रोशनी है समझ भाई रिकॉर्ड कर लें इस जगह को फिर तो अंधेरे में पता नहीं क्या ही रिकॉर्ड हो ऐसा लग रहा है जंगल के बीच में कोई फ्लैट बिल्डिंग नहीं होती जंगल के बीच में वो लुक आ रहा है इसका रीसेंट रहाइश के असर आते हैं है ना बिल्कुल एक सीढ़ियाँ यहाँ भी लगती हैं भाई लाहौर उधर नहीं जाना मैंने क्या कहा था किसी ने छेड़ा किसी दरवाजे को रिकॉर्ड हुआ होगा ना ठीक है ना तू ठीक है ना मैंने ये लो बहुत वाज़े रिकॉर्ड हुई होगी अल्लाह करे लेकिन पूरा ऐसा लगता है पूरा दरवाज़ा किसी ने खोला है इससे ज़्यादा पहले हवा चली है तब नहीं खुला दादा यही अंकल का फ्लैट यही वाला 13 नंबर खुला क्या ये ये खुला है या वो खुला है बाकी मुझे आओ अभी रोशनी है तो मैं कह रहा हूँ चलते हैं रात का पता नहीं बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम दीवार के साथ लग जाओ मैं सलाम यहाँ करता हूँ धब धब वहाँ होती है वो खुला क्या था अभी आवाज़ कैसी आई थी अरे अरे पता है कैसी होगी इसकी आवाज़ लगती है मुझे जैसे वो तो होते मट्टी तो होते हाँ ऐसे किसी बूढ़े की आवाज आई है क्या कर रहे हो बुजुर्ग की आई है अस्सलाम वालेकुम नहीं नहीं वो आवाज़ यहाँ से फर्नीचर की आवाज़ फर्नीचर की हाँ
यार ये तो रिसेंट आबाद था घर, लेकिन लग ऐसा रहा जैसे सबसे पुराना यही है। हाय हाय कितनी कोशिश की गई है रहने के लिए यार। आठ बार चेक करें बच्चों में खुशी है। इधर भी लगी हुई है, क्या मुसीबत है ये देखें। क्या पूछा था, क्या कर रहे हो जी? मिलने आए हैं आपसे दोस्ती की नीयत से, सब कुछ जानते बूझते, किसी किस्म के कोई नुकसान की ना नीयत है ना कोशिश है, ना आपको निकालने आए हैं ना भगाने आए हैं ना खुद रहने आए हैं यहाँ पर। बराए मेहरबानी बगैर नुकसान पहुँचाए खुद को जाहिर करना हो तो कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, हम वैसे ही चले जाएंगे यहाँ से। आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ भी अजीब से निशान है, बच्चे अजीब सी जहरीली खुशबू है। सारे उल्टे ये देखो किसी जानवर के निशान नीचे, ये इंसानी पैर में क्या, ये इंसानी पैर में क्या, यहाँ कुछ और बना वहाँ कुछ और बना, अलग अलग साइज है। यहाँ भी ऊपर भी ये क्या बना है यहाँ सर, ये यहाँ तो शाम में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है हमारी, अभी तो रात नहीं हुई। यार ये किचन में क्या है, देखा कभी ऐसे किचन में क्यों मिल रहे हैं पाँव के निशान? कोई पागल होगा किचन के अंदर पाँव के निशान बनाएगा यार? ऐसी जगह जहाँ पर आप जूतों के साथ नहीं आते किचन के अंदर। सजा बेबरमति की जाती है ना, जैसे ताजी हर चीज की गंदी मखलूकात जो होती है वो ऐसी चीजों से लाता है। शिवाज भाई सॉरी खता कला में माफी सो रहा है। हाँ कैसी आवाज है, हाँ कैसी भी आवाज है। आप कह रहे हो कि बेहरमती की जा रही है, उल्टे काम किए जा रहे हैं। शैतानी खुश होती है ना ये। ज़ूम करके देना मुझे, ये जो राइट पे है आपके इतने लंबे नहीं होते यहाँ। ये मेरे बारे में ना कोई जाने का रास्ता है ना कोई आने का रास्ता, आगे देख लें, दरवाजे हम खोलते हैं। अस्तगफुरुल्लाह, ये देख समझ, ये देख, ये देख, ये देख, ओए कबूतर। आप मुझे बताएं कैसे निशान, कौन से जानवर के ऐसे पाँव के निशान होते हैं और इतने पुराने नहीं है ये रिकॉर्ड? मुझे बताएं जैसे आगे नाखून होते हैं, देखिए आपको बच्चे का पाँव लगेगा, ये देखिए छोटे बच्चे का पाँव लगेगा, वो आगे दो बच्चों के पाँव लगेंगे आपको, कुछ घसीटा होगा और अल्लाह का निशानियां बड़ी डरा देने वाली है यहाँ पर। नौ छः पंद्रह फ्लैट तो है, दूसरे मेरा 14 सबसे समझो एक्टिव समझो। अभी भी रोशनी बाकी है आसमान में। ये क्या है वो इधर रखो, अभी तो वैसे मैं हाँ क्या मुसीबत है, ताज़ी चीज़ कैसे आई यहाँ पर, ये अस्तग़फ़िरुल्लाह ये है क्या, पंजा बन रहा है क्या साइड से? कोई पंजा नहीं बन रहा, कोई पंजा नहीं बन रहा, ये किसने डाला है यहाँ पर, ये है क्या?
पता नहीं क्या चीज़ ऑयल टाइप का लगा रहा है। जो अभी अभी कैसे हुआ? आसपास कोई पंजे का निशान नहीं है, कोई जानवर नहीं है, साइन नहीं लग रहा है। हाँ, जैसे कोई ये आप अभी तो एक सेकंड ना, ये लेकिन ये कब आया, कैसे आया? ताजा है, ताजा है, ताजा है। अगर ये किसी कुत्ते बिल्ली ने कोई हाजत पूरी की है, उसके पांव के निशान कहाँ हैं? ये तो आई, उसे तो पता तो लगता ना। तो क्या है, कोई जवाब दे मुझे, क्या है ये? ऑयल पानी वानी इस तरह की तो कोई चीज नहीं। कहाँ से आया? लेकिन आया कहाँ से? ये भी ऑयल होता तो सफेद थोड़ी होता है। एक मिनट, कितनी निशानियाँ मिलेंगी यार यहाँ से? आइए सर, इधर आइए, ये चेक कीजिए आप, ये क्या हुआ है? सुना है भारत? हवा यहाँ से जा रही है तो बंद कैसे हुआ है? ये कैसे बंद हो गया यहाँ से? ये हवा है तो वहाँ से। मैंने क्या कहा, तूफान आया? सुना है भाई? हवा यहाँ से जा रही है तो बंद कैसे हुआ है? जो तरफ काटने की रिवायत शुरू हुई थी गलती के तौर पर, क्योंकि टाइम कंप्लेंट्स इंसिडेंट से उसके ऊपर है। उसके बाद जिसने रहने की कोशिश की उनके साथ एक और हादसा पेश आया, इलाज की मुमकिन कोशिशें भी की। तुम कहाँ से आई आवाज? इलाज की मुमकिन कोशिशें भी की। तकरीबन 2015 में ही इसी स्टील टाउन में वाक़ इस स्कूल को भी सील कर दिया गया था, जिसकी वजह ये बताई जाती थी कि यहाँ पर कई दरख्तों को काट दिया गया। कहीं इस इमारत के वीरान होने की वजह यही तो नहीं कि उन्हीं दरख्तों पर रहने वाली मखलूकात अब इस जगह बस चुकी हैं जैसे उस स्कूल में? दोबारा देखिए, गौर कीजिए और ख़ुद समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर वो क्या है। हवा यहाँ से जा रही है तो बंद कैसे हुआ है? इलाज की मुमकिन कोशिशें भी की।